यो हेलो एवरीवन, दिस इज वंशु एंड शेखर। हेलो गाइस। तो जैसा कि आज हम लोग अपने फार्म पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपना मशरूम का फार्म स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा सामान वामान भी हमको लेना पड़ेगा क्योंकि इस शहर में हम लोग नए आए हैं। ओहो, गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नए आए हैं शहर में तो थोड़ा सामान भी लेना हमको पड़ेगा इधर। अच्छा, अभी तो देखो हम लोग जीपीएस यूज कर रहे हैं, पहुंचते हैं हर गली में हर मोहल्ले में, क्योंकि हम लोग अनजान हैं थोड़ा जी। बट ये है कि थोड़ा सेटअप वगैरह हम कर लें अपना, थोड़ा काम का सेटअप तो हो गया, फार्म वगैरह हम लोगों ने अपना कर लिया सेटअप, सफाई वफाई हो गई है, पेस्ट कंट्रोल हमने कर दिया था कल ही, और अब थोड़ा हमको अपने घर का भी सेटअप करना है तो हमको सामान वामान परचेज करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, हम लोगों ने एक घर भी देख लिया है जहां हम रेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, और बटोला जी का घर है वो। बटोला जी का घर है और वहां पे हम लोगों ने रेंट पे ले लिया है ऑलरेडी। हम लोग घर तो दोस्तों दो तीन दिन पहले ले चुके हैं, बट अभी तक हम लोगों ने घर की शक्ल नहीं देखी दोबारा से। हमारे बटोला जी सोच रहे होंगे कि ये लोग पैसे देकर तो चले गए बट ये आ क्यों नहीं रहे। हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा यार, बहुत बिजी चल रहे हैं हम लोग, हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, और शेखर बेचारा दिन रात लगा हुआ है काम करने पे। सबसे ज्यादा देहरादून में जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है गाइस, वो है गाड़ी चलाने में। यहाँ पे आप एक्सीलेटर पे पैर रखो तो आपको 2 या 3 सेकंड में वापस हटा के ब्रेक दबाना पड़ता है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, बहुत ही कंजेस्टेड टाइप का शहर है, लेकिन स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। तो ये हमारा दूसरा दिन है, आज हम जालों की सफाई कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल हमने कल कर दिया था, थोड़ी बहुत जो सफाई रह गई है वो कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोग यहाँ पे जो मशरूम के बैग्स हैं उनको रख देंगे। मशरूम के बैग्स रखने के लिए आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना होगा कि ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और यहाँ पे किसी भी कीड़े का होना मशरूम को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इंसेक्ट जो होते हैं वो अंडे दे सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए हमें वो हो सकता है ना मिले, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें सबके सब जो भी इस काम में कर रहे हैं, कि जो अभी आपकी ग्रोइंग प्लेस है जहाँ पे आपका कल्टिवेशन होना है वो क्लीन रहे। देखिए वहाँ पे मकड़ी के जाले, ये मकड़ियाँ सबसे तेज जाले बना रही हैं यहाँ पे हमारे काम के लिए, हम लोग यही चीज़ ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल का मकड़ी का कोई असर नहीं हुआ, वहाँ पर बहुत सारे जाले बन रहे हैं। तो हम जिस तरीके से कहा जाता है कि आप जिस दिन बैग रखें और 15 दिन के लिए बंद कर दें रूम को, बिल्कुल वो कम्प्लीटली करना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट इन सीजनल फार्म्स के अंदर जैसे केएसए हट्स का। तो आप लोगों को रोज या फिर 1-2 दिन में एक बार कम से कम आके यहाँ पे एक बार ऐसी हवा में झाड़ू घुमाने पड़ेंगे, ताकि आपके जो जाले हैं वो ना रहें और मकड़ी यहाँ पे पनप ना पाए। अगर आप लोगों के पास पैसा है तो बिल्कुल एसी वाले फार्म का काम करिए, दैट इज द बेस्ट।
हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे किसी भी तरीके के जानवर जैसे कि खासकर सांप रेप्टाइल्स यहाँ पे आए। यहाँ पे पहले घास हो रखी थी, वो बार बार बढ़ जा रही थी, तो उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं रोड़ी बिछाई है। अगर यहाँ पे सांप या फिर कोई भी तरीके का रेप्टाइल आता है तो हम लोगों को वो दिख भी जाएगा। और अंदर जो हमने रोड़ी बिछाई है उसका मेन पर्पज ये है कि जो ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है हम लोगों को अराउंड 70-80% वो कर सकें। जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होने लगी, वैसे जनरली एटमॉस्फेयर में जब बारिश का मौसम रहता है तो रहती है ह्यूमिडिटी, लेकिन जब कम होने लगेगी ह्यूमिडिटी गर्मियों में या फिर सर्दियों में, तो यहाँ पे पानी मार के ह्यूमिडिटी को हम 70-80% के आसपास मेंटेन कर सकते हैं।